हेलो भाई वेलकम टू गुरुमा हिंदी टारू और ये रीडिंग है एट ऑफ मार्च से लेके फोर्टीन ऑफ मार्च तक की तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में मैसेजेस फॉर भाई Six of Bones The Hermit Black Shock Ace of Wands, The Green Mother and Four of Spells Okay. So Black Shock Kakar hip I think Kuchesa Heo Katam Hu was a lagri, but uh, हुआ नहीं है लगता है जैसे कि आप एक ऐसा रिलेशनशिप में है जो रिलेशनशिप की तरह है भी नहीं एंड देन ये कोई ऐसी चीज भी नहीं है जिसे आप रिलेशनशिप ना कहें आई थिंक यहां पे ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा ट्रिक कर रहा है ओके okay? जिसके साथ भी आप रिलेशनशिप में हैं। फाइवर्स उस पर्सन को आपकी जरूरत है सिक्स ऑफ बून्स के साथ ये पर्सन सिक है ये पर्सन जानता है कि उन्हें आपकी मदद की जरूरत है इस पर्सन को आपकी ये हीलिंग पसंद है ये पर्सन आपकी एनर्जीज को पसंद करता है बट आई थिंक फाइसेस अब शायद ये पर्सन अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस कर रहा है आप डेफिनेटली हीलिंग लविंग एंड केयरिंग है बट इसका मतलब यह नहीं है कि आप कुछ भी टॉलरेट करेंगे या सब कुछ टॉलरेट करेंगे बिकॉज सिक्स ऑफ बोन्स के साथ मे बी फाइसेस आपके साथ यही हो रहा है ये पर्सन एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप उनके मूडीनेस को टॉलरेट करें आप उनके वियर्ड बिहेवियर को टॉलरेट करें आप उनका आना जाना टॉलरेट करें एक्सप्लेनेशन ना देना टॉलरेट करें जस्ट बिकॉज उन्हें हीलिंग चाहिए जस्ट बिकॉज वो वालेबल है जस्ट बिकॉज वो बहुत ज्यादा इमोशनल है अब मेरे कहने का के मतलब ये नहीं है कि आपको किसी ऐसे पर्सन की मदद नहीं करनी चाहिए जिसको आपकी जरूरत है बट भाई से यहां पे ऐसा लगता है जैसे कि आप ऑलरेडी अपना हंड्रेड परसेंट कर चुके हैं आप इस पर्सन को बहुत सारे मौके दे चुके हैं ये पर्सन शायद खुद को बदलना नहीं चाहता ओके okay? आप जितनी मदद कर सकते थे इस पर्सन की आपने की है हो सकता है ये पर्सन अपने आप को विक्टिम दिखाने की कोशिश कर रहा हो लाइक like, uh, जो भी हालात है वो अपने हालात के मारे हैं या फिर कह सकते हैं कि uh, उनके पास में कोई एक्सपीरियंस हुआ किसी ने उन्हें हर्ट किया और वो स्पेन से उबर नहीं पा रहे है या कोई भी एक्सक्यूज ओके okay? आप जितना ज्यादा इस पर्सन की हेल्प कर रहे हैं उतना शायद कोई और कर भी नहीं पाएगा एंड uh, अब आप इससे ज्यादा कर भी नहीं सकते इसके आगे तो इस पर्सन को खुद की मदद करनी होगी जिसके लिए वो बहुत ज्यादा प्रिपेयर्ड नहीं लग रहे हैं वो रिलकटेंट लग रहे हैं एंड पाइसेस से शायद ये पर्सन आपकी एनर्जी को टेक इन फॉर ग्रांटेड ले रहा है मिस यूज कर रहा है इस एनर्जी को एंड ओनली ये पर्सन मिस यूज कर रहा है बट शायद अपनी नेगेटिविटी को धीरे धीरे आपके अंदर ट्रांसफर भी कर रहा है आप इनके इस बिहेवियर से अफेक्ट हो रहे हैं, आप इनके इस मूडीनेस से अफेक्ट हो रहे हैं, आज कुछ और कल कुछ और एंड um, ये पर्सन ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप हर चीज के साथ पुटअप करें आप हर चीज के साथ कैरी ऑन करें बिकॉज यू नो वो तो एक बेबी है जिसे अभी हीलिंग की जरूरत है जिसे अभी लव की जरूरत है तो अगर कोई इस तरीके से प्रटेंड कर रहा है फाइसिस तो आपको एक बार सोचने की जरूरत है ये सब कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है बट यो नो फाइस आपसे टैरो कह रहा है कि आपका दिल बड़ा है और uh, आपको सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए बिकॉज़ uh, आपके इस अनकंडीशनल लव का ये पर्सन हो सकता है फायदा उठा रहा हो एंड आप कहीं बीच में ही रह गए या फंस गए हैं इनके वजह से अब आपको पता नहीं कि आप इस पर्सन को और ज्यादा पैम्पर करें या अपना प्यार दें या नहीं और चारों आपसे कह रहा है कि लगता है अब आपको खुद पे ध्यान देना चाहिए बिकॉज अ ग्रीन मदर के साथ पाइसेस लगता है जैसे इस पर्सन ने आपको उस फेज में पहुंचा दिया है जहां अब आपको हीलिंग की जरूरत है एक हीलर होने के बावजूद भी एक ऐसा पर्सन होने के बावजूद भी जो दूसरों को हील कर सकता है इस पर्सन ने आपको उस पॉइंट पे पहुंचा दिया है जहां अब आपको खुद पे ध्यान देने की जरूरत है और यह सोचने वाली बात है पाइसिस की क्या आप एक हीलर बने रह सकते हैं अगर आप खुद को ही हील ना कर पाए तो अगर आप खुद को ही राइट फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं रख पाए तो अगर आप खुद ही डिस्टर्ब रहे तो सो आपका हर सेल्फ कह रहा है कि अपने आप को डिस्कनेक्ट कीजिए ऐसी प्रॉब्लम से ऐसे लोगों से खुद को संभालना जरूरी है एंड ऑब्वियसली यह आपका चॉइस है कि आप किसे वेलकम करना चाहते हैं अपने लाइफ में किसे नहीं बट ट्रूथ uh, को इग्नोर करके आगे मत बढ़िए ओके okay? अगर आपको वेलकम भी करना है किसी को तो डेफिनेटली आप कीजिए बट ट्रूथ को हमेशा ध्यान में रखिए सो दैट आप इस तरीके से हर्ट ना हो जो भी आगे आने वाला है उसके लिए आप प्रिपेयर्ड हों एस ऑफ विजन्स के साथ फाइसिस आपसे कह रहा है शायद आप खुद को देखना तक भूल गए हैं खुद पे फोकस करना तक भूल गए हैं बहुत ज्यादा आपके इमोशंस इस वक्त आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं बट आपको जरूरत है खुद को देखने की ये रियलाइज करने की कि आप ये क्वीन है ये स्वाइन क्वीन जो सर पे यह क्राउन पहनी हुई है और गले में यह नेकलेस तो ये एक तरीका है ये दिखाने का कि शायद आप खुद को देखना भूल गए हैं अपनी रिफ्लेक्शन को आपने ऑब्जर्व करना छोड़ दिया है इसी वजह से आप ये भूल गए हैं कि आप कौन हैं मे बी पाइसेस आपको फिर से अपने वर्थ को पहचानने की जरूरत है अपने ऊपर ध्यान देने की जरूरत है तभी आप ये रियलाइज कर पाएंगे कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं और आप क्या डिजर्व करते और आप किस चीज के लिए सेटल कर रहे हैं स्पाइसेस ये वीक आप खुद को दीजिए यही आपका हर सर्फ चाहता है आपसे और कड़फ कीजिए ऐसी नेगेटिविटी को जो एक तरीके से आपको मैनिपुलेट कर रही है ओके okay? जो एक तरीके से एक मास्क पहनी हुई है इनोसेंस का सो so दैट आप देख ना पाए ट्रुथ को सो so दैट आप अनकंडीशनली uh, जो भी आपसे लिया जा रहा है आप देते जाएं, तो खुद को देखना जरूरी है अपनी केयर करना जरूरी है भाईसेस बिकॉज आप अक्सर दूसरों की केयर करने में इतने बिजी हो जाते हैं कि खुद को इग्नोर कर देते हैं ऑफ कोर्स ये एक जर्नल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या इयरली रीडिंग देखना चाहें ट्वेंटी के फर्स्ट क्वार्टर की तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैस्टर्स है आपके लिए फाइसिस द लॉयर सनलाइट कीपर ऑफ बोन्स एंड सेवन ऑफ वर्जन्स ओके okay. फिर से एक बार कार्ड है लॉयर का तो ये पर्सन फिर से कुछ बोल सकता है आपको मैनेपलेक्ट करने के लिए सनलाइट के साथ बहुत सारी मीठी बातें हो सकती है बहुत सारी बातें ऐसी हो सकती है जो आप कब से सुनना चाहते थे और ये पर्सन वो सारी चीजें गाएगा आपको अट्रैक्ट करना चाहता है अपनी तरफ क्योंकि वो जानते हैं कि आप स्पेशल है ओके okay? इस पर्सन को पता है कि आप लवेबल है और ये पर्सन जानता है कि आप स्पेशल है कीपर ऑफ बोन्स के साथ ये पर्सन ये नहीं चाहता कि आप उनसे दूर जाएं बट एट द सेम टाइम ये पर्सन आपकी रिस्पेक्ट करने को भी तैयार नहीं है या वैसे चीजों को नहीं करना चाहता जैसा कि एक रिलेशनशिप में होना चाहिए कमिटमेंट भरोसा सिक्योरिटी फोर ऑफ स्पेल्स के साथ ये पर्सन डेफिनेटली आपकी कंपनी को एंजॉय करता है उन्हें लगता है कि आपके साथ वो एक अलग ही दुनिया में होते हैं सेवन ऑफ विजन्स के साथ सब कुछ परफेक्ट हो सकता है भाईसेस बट याद रखिए कि ये पर्सन द लॉयर है और शायद अपने कमिटमेंट को पूरा करने का इंटेंशन नहीं रखता बस इन्हें आपका अटेंशन और प्यार चाहिए बाकी इन्हें लगता है कि इस माइंड गेम से वो यहां आपको रोक के रख सकते हैं बिना कमिटमेंट दिए भी चलिए देखते अकेले और मैसेज किया है भाईसेस द फर्न के कार्ड के साथ प्राइसेस ये है ग्रोथ के बारे में एंड फर्न को किसी की जरूरत नहीं है ग्रो करने के लिए फर्न किसी भी चीज का शेप ले सकता है और अपने अकॉर्डिंग रास्ता चुन सकता है तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आप फ्री है अपनी चॉइसेस करने के लिए सो so, घबराइए मत यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगा एंड uh, वही कीजिए जो आपका मन कहता है आप इतने वॉलरेबल नहीं है इस वक्त कि आप एस पर्सन के बिना अपनी लाइफ को वैसे ना एंजॉय कर पाए जैसे आप करते थे या ये आपका इमोशनल सपोर्ट है ये भी सच नहीं है सो so, आप खुश रह सकते हैं एंड आपके अंदर ये कैपेसिटी है बट एक बार आपको खुद को देखना होगा और अपनी प्रायोरिटीज को रियलाइज करना होगा इससे पहले कि आप अपने आप को हील कर सकें ओके okay? तो यह है रीडिंग इस वीक की आई होप आपको अच्छी लगी होगी थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल नेक्स्ट वरिया Bye.